भी हमारी धरती या हमारे मान सम्मान पर हाथ डालता है उसका हाथ काट देते हैं। हाथ नहीं गर्दन भी काट लेते हैं। हमने स्वयं देखा है अपनी आंखों से। आप भी स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए इन्हें। कुंवर प्रताप माशाल्लाह मार डालो इसे। आगे बढ़ो मारे से। हमारी शिवजी वाली माँ कुंवर प्रताप के घर में बहुत शीघ्र ही तुझे ये खोई हुई माला कोई महत्वपूर्ण वस्तु या कोई विशेष व्यक्ति से मिलाने वाली है। भागो भागो क्या भाग रहे हो? अरे अपने खासे ने आपों को छोड़ के भाग रहे हो? रुको अरे रुको हुजूर हमें माफ कर दीजिए। हुजूर खुदा के वास्ते हमें माफ कर दीजिए। तुमने हमारी मातृभूमि पर आग डालने का दुस्साहस किया है। हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। लो अपनी ये तलवार और युद्ध करो हमसे। हमें आपसे नहीं लड़ना जंग हुजूर। हमें नहीं लड़ना आपसे जंग। कोई नहीं लड़ना। अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। बाजरस प्रताप के जय। बाजरस प्रताप के बंद कीजिए जय जयकार। ये कोई गर्व का अवसर नहीं है, एक लज्जा योग अवसर है हम सबके लिए। सीमा पार से विदेशी आक्रमणकारियों का एक समूह आता है और रातों रात हमारी धरती पर अपना अधिकार जमा कर अपनी सैनिक चौकी भी बना लेता है और हमें मैं पता तक नहीं चलता। आप में से हर कोई उत्तरदायी है इसका। यदि आप लोग थोड़े से भी सतर्क होते तो शत्रु पक्ष की सैनिक हलचल देखते और इन संदेहास्पद गतिविधियों की सूचना देते तो आज हमें यह दिन देखने को नहीं मिलता। हो गया तमाशा। आपकी ही योजना थी ना ये। चलिए यहां से। अब क्या निमंत्रण पत्रिका दे आपको? हम चाहते हैं कि सूर्यास्त से पहले पहले आप दोनों महल के भीतर हो। अब चुपचाप खड़ी क्यों है? चलिए। ओ हो
हमारे इस पवित्र उद्देश्य का क्या हुआ जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे? देखिए चक्रपाण, कम से कम इस समय तो आप अपने विवाह की बात भूल ही जाइए, क्योंकि बाबूजी राज प्रताप के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मेवाड़ की रक्षा करना। हाँ चक्रपाणी, देशभक्ति के नाम पे अब आप भूल जाए सौभाग्यवती को। भूल जाए? माशाल्लाह, आज लग रहा है कि मैंने आज तक जो शिकार किए हैं वो महज कुत्ते बिल्लियों के शिकार थे। असली शेर को शिकार करने का मौका तो अब मिला है मुझे। आप कुंवर प्रताप को शेर समझती हैं, अच्छी बात है, किंतु आपको पता है ना कि आप क्या हैं? हम चिंतित हैं आपके प्राण के लिए, इसीलिए हम ये आपको कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आप समझ आए कि शहंशाह और वजीर आला महामंगल का मर्दों पर से यकीन क्यों उठ गया और क्यों उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के लिए एक औरत का इंतखाब किया? क्योंकि जरूर आज तक उनका पाला आप जैसे मर्दों से पड़ा होगा ना। हम जैसे भी मर्द हैं गौहरजान, जान बचा के तो भागे, देखते हैं कि आप कैसे अपनी जान बचाती हैं कुंवर प्रताप से। आ गए अपने माथे पर शिकस्त की कालिक पोत कर। कौन था वो? वो प्रताप। इन कंधों पर अपना नाम और असर लिए तुम्हारी हमारे सामने आने की जरूरत कैसी हुई? मैं जानता हूँ हार की सजा सर कर लो, और मैं ये भी जानता हूँ जो कि दुनिया के मैं किसी भी छोर पे चला जाऊँ भाग कर आपकी सजा से मैं नहीं बच सकता। पता नहीं हुजूर क्या हो गया था मुझे, जिस दिलेरी और साहस के साथ वो अकेला प्रताप मेरी पूरी टुकड़ी के साथ लड़ रहा था, उसके सामने आते जगह एक मेरे वो आवाज पड़ गया, लड़ नहीं पाया मैं उससे, जैसे मेरे तन बदन पे एक खौफ तारी हो गया और जैसे तैसे मैं अपनी जान बचा कर यहाँ भाग गया है। मैं आपका गुनहगार हूँ, मैं आपका कथावार हूँ, आप मेरा सर गलत कर दीजिए। कैसे तुम्हारा सर कलम कर सकते हैं मामून, जबकि तुम हमारे सबसे वफादार और बेहतरीन सिपाहसालार हो। इन दुश्मनों की खातिर हम अपने सबसे वफादार और जावाज सिपाही को कैसे गवा सकते हैं, जबकि हम तो इन दोनों से नफरत करते हैं। दुश्मन? और क्या दुश्मन, राजपूतों को नापसंद करने का मतलब यह तो नहीं कि हम मुगलों को पसंद करने लग जाएं, उनके वफादार बन जाएं। समझता क्या है अकबर कि हम अफगान उसके सर खरीद गुलाम हैं, वो आगरा में आराम से बैठ के हुक्म चलाता रहे और हम सरहदों पे उसके लिए लड़ते रहेंगे। नहीं अकबर, नहीं, जितना तुमने सोचा ये अफगान उससे कहीं ज्यादा चला गया। वक्त आने पर दिखा देंगे अकबर को इस मुल्क पर हुकूमत मुगलों की नहीं अफगानों की होगी। पर आपने तो मुगल बादशाह अकबर का साथ देने का वादा किया था। सिर्फ इसलिए ताकि प्रताप से लड़ने के नाम पर वो हमें रसद और हथियार देता रहे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रताप से हुई हमारी शर्मनाक हार का बदला हम कभी नहीं लेंगे? लेंगे, बदला हम जरूर लेंगे, लेकिन अकबर से बेहतरीन मुगल हथियार लेने के बाद। अकबर हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, सोने का अंडा। मांगने बाबूजी राज, ताऊजी को जाकर यह संदेश दे दीजिए,
कि हम उनसे इसी समय दरबार कक्ष में मिलना चाहते हैं। ये भाग जाए, इन्हें तुरंत रानीवास में ले जाइए। भाई साहब, हमें बाऊजी राज प्रताप की बात मान के तुरंत रानीवास चल देना चाहिए। चलिए भाई साहब, आप चलिए, हम आते हैं। जो भी हमारी धरती या हमारे मान सम्मान पर हाथ डालता उसका हाथ काट देते। हे भगवान, एक ही झटके में हाथ काट दिए। अच्छा हुआ जो अब तक हम उनसे दूर ही रहे। वो भविष्य करता क्या कहना चाहती थी वो उस दिन? बहुत शीघ्र ही तुझे ये खोई हुई माला, कोई महत्वपूर्ण वस्तु या कोई विशेष व्यक्ति से मिलाने वाली है। क्या उस भविष्य बताने वाली का संकेत कुंवर प्रताप के लिए ही था? ऐसे पता लगाया जाए इस बात के मन का। ये चूड़िया जो आपने अपने हाथों में लेकर रखी, हमने इन्हें अपनी माँ के लिए खरीदी। अपनी माँ की चूड़ियों के लिए कैसे हंगामा कर दिया था? अब चुपचाप खड़ी क्यों है? चलिए चलिए। कहाँ खोई हुई थी आप? यदि यही प्रश्न हम आपसे पूछेंगे तो क्या उत्तर होगा आपका? नहीं नहीं, हम तो अपने कक्ष जा रहे थे। अच्छा, संसार भर के मार्ग याद रहते हैं आपको, किंतु अपने ही महल अपने कक्ष का मार्ग भटक गए आप? हम तो सचमुच मार्ग भटक गए थे, किंतु आप भी तो अपने विचारों में खोई हुई थी। आपको कैसे पता चला? हमें सब पता चल जाता है। ठीक है, आपको पता है ना, तो बस आगे कुछ मत बोलिएगा। एक तो खुद मार्ग भटक गए और अब हमें कहने कि हम मार्ग भटक गए। जाइए, हम नहीं करते आपसे बात। फूल रुकिए, फूल रुकिए, फूल। वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। आपकी थी? भूल? किससे बातें कर रही हैं आप? किसी से नहीं, किसी से भी तो नहीं। हमें लगता है हम दोनों का मन उद्विग्न हो गया है। कितना कुछ हो गया ना आज क्या? हाँ, वही तो। हमने आज से पहले ऐसी घमासान नजर पहले कभी नहीं देखी। देखिए, हम निकले थे चक्री पाने का विवाह। अच्छा थी? चक्री पानी? उस बेचारे का विवाह? किस बात पर इतनी जोर जोर से हंस रही हैं आप दोनों? नहीं मासी जी, वो तो बस ऐसे ही। लिंग जी का कोटी कोटी धन्यवाद जो आप दोनों सुरक्षित बच गए। प्रताप पर इस कदर गुस्सा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप जलाल। वही गलती जो बैरम खान ने की है। प्रताप की हर कामयाबी हमारे दिल में नस नस से चुभती है। ऐसा क्यों होता है अमीजान? ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है अमीजान?
नाकामयाबी महमूद शाह को मिली, बिजोलिया की सरहद पार कर उनकी जमीन हत्या, यह उनके सिपाहियों की नाकाबिलियत थी जो प्रताप के सामने मैदान छोड़कर भाग गए। पर अफसोस हमें हो रहा है, ऐसा अफसोस मानो वहां पे हम ही को जाती शिकस्त मिली। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारे दिल में खंजर आर पार कर दिया। जलाल, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा ताकि आप दिमागी तवाजुन बनाए रखने के साथ दुश्मन पर एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा वार कर सकें। इस कदर गुस्से की आग में खुद को जलाने से अपना ही नुकसान होता है। फिलहाल तो आप बस ये उम्मीद करें कि बिजोलिया की सरहदों पर महमूद शाह की हरकतों से प्रताप इस कदर हैरान और परेशान हो चुके हैं कि गौहरजान अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ और फौरन से पेशकर कर सके। देखिए राव जी, आपके और हमारे परिवार के बीच बहुत पुराने संबंध चले आ रहे हैं। आप हमारे दाजी राज के सबसे पुराने मित्र हैं और हंसा मासी जी को हमारी रानी माँ अपनी छोटी बहन समान मानती हैं। आप मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण रियासत के सामंत हैं, पर इस तथ्य को हम झुठला नहीं सकते राव जी कि आपसे अपनी सीमा की रक्षा करने में चूक हुई। आप ही ने तो हमसे कहा था ना राव जी कि चंबल नदी के पीछे वाला क्षेत्र उन अफगानों का, तो फिर उन अफगानों ने वो नदी पार की कैसे? कैसे उन्होंने हमारे क्षेत्र में अपनी सैनिक चौकी तक बना डाली राव जी? राव जी राज, सीमा से जुड़े क्षेत्र से कुछ सूचनाएं हमें मिल चुकी थी और उन्हीं के आधार पर हमने अफगानों के साथ सीमा विवाद को आपसी बातचीत द्वारा सुलझाने के लिए कूटनीतिक वार्ता की चेष्टा की थी। वे हमारी सीमाओं में घुसकर अपने ध्वज फहरा रहे हैं, अपनी सैनिक चौकी बना रहे हैं और आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं राव जी, वार्ता करना चाहते हैं? क्या इससे हम उनकी दृष्टि में और भी निर्बल और असहाय नहीं बन जाएंगे राव जी? समझौता वे करते हैं राव जी जिन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होता, जो तलवार चलाना नहीं जानते। पर हम राजपूत हैं, हम तलवार चलाना भी जानते हैं और हमारी मातृभूमि के लिए अपना रक्त बहाना भी जानते हैं। राव जी, हमें शत्रु द्वारा ली गई हमारी धरी ठीक नहीं चाहिए, अधिकार से चाहिए। हम उन घुसपैठियों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि मेवाड़ का हर भाग अपनी सुरक्षा में समर्थ है, इसलिए आप कभी भी कोई भी समझौता की बात मत कीजिएगा शत्रुओं से। हमारी धरती पर हमारा अधिकार अंतिम है और कोई भी समझौता नहीं चाहिए हमें। हमारे दाजीराज को आपकी क्षमता और सामर्थ्य पर पूरा विश्वास है राव जी, और हमारा विश्वास है कि आप उन्हें कभी गलत सिद्ध नहीं होने देंगे। राव जी राज, अपने राज्य की सीमा की सुरक्षा के लिए हम सतर्क हैं। हम स्वयं अपनी देखरेख में बिजोलिया की संपूर्ण दक्षिण सीमा की किलेबंदी करवाएंगे। आप अपने सेनापतियों से बोल दीजिए कि बिजोलिया की दक्षिण सीमा पर चौकसी के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। जी बाबूजी राज। जय मेवाड़। जय मेवाड़।